हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान, जो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 को लेकर हमने उस सीरीज स्टार्ट की है। तो ये समझ लीजिए, ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको 1000% यानी 100% 1000% आपको ये कहने वाला हूँ। इससे कंपलसरी आपको यूजीसी नेट में 2% मिलेंगे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम जानते हैं वो बात करते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो आपको बताना, इसको इंग्लिश में एक्शन रिसर्च बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्शन रिसर्च बोला जाता है। एक्शन रिसर्च जो है दोस्तों वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बना एक्शन और दूसरा बना है रिसर्च, समझना इसको। अब एक्शन भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है एक्ट प्लस ऑन, और रिसर्च भी दो शब्दों से मिलकर बना है, रे प्लस सर्च। क्लियर बात है? यानी इन दोनों के शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ दोस्त आपको बताना है, किसी समस्या का आपको बताना है, किसी समस्या का तात्कालिक समाधान करना, तात्कालिक समाधान करना, ये हमारा क्या कहलाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान को जब लाया गया तो उसका मेन जो रीजन था, जो एट ए टाइम जो समस्या आती है उसका ऑन द स्पॉट, वो ये भी बोल सकता है कि ऑन द स्पॉट, यानी अगर आपसे ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान कौन सी समस्या से संबंधित होता है, तो दोस्त आपको बता देना ऑन द स्पॉट जिस समस्या का सॉल्यूशन किया जाता है वो रिसर्च कौन सा प्रयोग किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान प्रयोग किया जाता है। अब समझने वाली बात यहां पर ये होगी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान हम पढ़ रहे हैं इससे संबंधित जो समस्या होती है समझना, अब कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे संबंधित उनका समाधान ऑन द स्पॉट किया जाता है, तो आपको बताना है दोस्त, एक तो आपको बताना है विद्यालय या स्कूल, दूसरा आपको बताना है क्लास, और तीसरा बताना है समाज। यानी इन तीनों से जो संबंधित समस्या है उसका ऑन द स्पॉट समाधान करना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। समझने वाली बात ये होती है कि जब एक स्कूल में, जब एक क्लास में और जब एक समाज में ऐसी कोई समस्या आती है उसका ऑन द स्पॉट समाधान करने के लिए, उसका तत्कालिक, उसका तात्कालिक समाधान करने के लिए, समझने वाली बात तो यही है, उसका तात्कालिक समाधान करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपको बताना है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपको समझने वाली बात है, ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका प्रयोग कौन कौन कर सकता है। भाई समझने वाली बात है कि क्लास में समस्या आ रही है, स्कूल में समस्या आ रही है, समाज में समस्या आ रही है, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी या प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, तो इसका प्रयोग कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं, तो देखो एक तो टीचर भी कर सकता है समझना, छात्र भी कर सकता है समझना, चपरासी भी कर सकता है समझना, प्रधानाचार्य भी कर सकता है। यानी मान लीजिए, अब समझ में ये वाली बात आ रही है कि मेरा पढ़ाने का तरीका स्टूडेंट की समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे पढ़ाने का तरीका चेंज करने के लिए ऑन द स्पॉट जो समस्या उसका समाधान करेगा तो कौन करेगा? टीचर करेगा। सिंपल सी बात है, छात्र बैठने की उचित व्यवस्था नहीं हो रही, टीचर के लिए पानी लेकर आना, चौक लेकर आना, डस्टर लेकर आना, छात्र भी ला सकता है, चपरासी भी ला सकता है,
प्रधानाचार्य, अगर स्कूल में कोई भी व्यवस्था की कमी हो रही तो प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है और प्रधानाचार्य के जरिए उस समस्या का समाधान किया जाता है। यानी आपको समझने का तात्पर्य कि विद्यालय के अंदर जितनी भी समस्या होंगी और समाज के अंदर जितनी भी समस्या होंगी उनका समाधान करने के लिए कौन सा तात्कालिक ऑन द स्पॉट समाधान करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो आपको बता देना क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करना पड़ेगा। बस आपको समझना क्या मेरे दोस्त, समझना यानी विद्यालय, क्लास और समाज, इनसे संबंधित तात्कालिक समस्या का समाधान, ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो दोस्त आपको बता देना क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर बताए। अब थोड़ा हम इसके जनक की बात कर लेते, इसके जनक कौन कौन से है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना स्टीफन एम कोरे हैं, जो आपका बहुत पूछा जाता है। अगर वो आपसे पूछे क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग किसने किया, क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग किसने किया, तो भी आपको बता देना स्टीफन एम कोरे हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम संप्रदाय, ये थोड़ा समझने वाली बात है, सर्वप्रथम संप्रदाय किसका, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम संप्रदाय मेरे दोस्त किसने दिया है, तो आपको बताना है कोलियर और कार्टलेबन और किसने दिया करटलेव ने, कौन सी ईयर में, तो आपको बता रहे 1933 में। अब एक और जो आता है सबसे बड़ी बात, वो आपसे ये पूछेगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हर बार यूजीसी नेट में पूछा जा रहा है। देखो स्कूल या क्लास की तात्कालिक समस्या का समाधान करना, समाधान करना यानी सबसे ज्यादा जो दोस्त आपको याद जो करना है, वो सबसे ज्यादा हमें ये वाली चीज याद करनी है कि क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो किसी स्कूल की, किसी क्लास की, किसी समस्या का ऑन द स्पॉट जो समाधान किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो आपको बता देना दोस्त क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक पूछे तो स्टीफन एम कोरे हैं। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया, तब भी आपको बता देना है कोरे हैं। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम संपर्क समझना तो किसने दिया है, तो आपको मैंने दो लिखा है विलियम, सॉरी कार्टलेवन और कोलियर। ईयर कौन सी लिखाई है, तो 1933 लिखाई है। क्लियर बात है। अब हम थोड़ा इसको समझते हैं इसके, अब इसका विकास कैसे माना जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान का विकास भी आपसे पूछ सकता है कि इसका विकास क्या है। तो देखो समझना क्या आपको, देखो सर्वप्रथम समझना, बकिंगहम ने अपनी पुस्तक, यानी बकिंगहम ने अपनी पुस्तक बुक एंड की रिसर्च फॉर टीचर, अगर ईयर की बात करें कब आई, तो 1926 में एक्शन रिसर्च शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब ये वाली बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
किसने किया तो आपको बता देना। देखो विकास, मैंने यहां पर फिर भी बता रहा हूं, विकास भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और बकिंगम नामक एक साइकोलॉजिस्ट था जिसकी पुस्तक का नाम था रिसर्च फॉर टीचर। 1926 में उन्होंने एक्सरसाइज शब्द का प्रयोग किया, और जिसका उद्देश्य उसने क्या बताया था, जिसका उद्देश्य उसने बताया था किसी समस्या का तात्कालिक समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। क्लियर बात है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। स्टीफन एम कोरे इसके जनक माने जाते हैं। शिक्षा में प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया। सर्वप्रथम संप्रदाय किसने दिया, कोलियर और कार्टलेवन ने दिया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो मैंने आपको बताया, जो सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य इसका पूछा जाता है, किसी स्कूल या क्लास की ऑन द स्पॉट तात्कालिक समस्या का समाधान करने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर दोस्त ये आती है कि क्रियात्मक अनुसंधान के चरण कौन कौन से होते हैं। सोपान की बात करते हैं जो फर्स्ट पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको बता देना 400 सोपान है। कितने सोपान है, 400 सोपान है। अब ये 400 सोपान कौन कौन से, ये आपको इंग्लिश में याद करने हैं। किसमें, इंग्लिश में। देखो पहला होगा प्लानिंग स्टेज, दूसरा होगा एक्टिंग स्टेज, तीसरा होगा डेवलपमेंट स्टेज, और चौथा होगा, दिखाई दे रहा, हां चौथा होगा रिफ्लेक्टिव स्टेज। ये चार के चारों आपको क्रम में याद रखने, अगर ना हो तो मैं वो बता दे रहा हूं, इस शॉर्ट ट्रिक PADR, प्लानिंग एक्टिंग डेवलपमेंट और रिफ्लेक्टिंग, यानी योजना बनाएंगे, फिर क्रियान्वयन करेंगे, फिर विकासोन्मुख होगा और फिर उस पर चिंतन किया जाएगा। ये क्रियात्मक अनुसंधान के चरण। अभी थोड़ा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आपको यूजीसी नेट समझना, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन के अगर डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप 7217377533, अगर आपको यूजीसी नेट से संबंधित फर्स्ट पेपर मैथ वाला पार्ट छोड़ के यूजीसी नेट का सेकंड पेपर एजुकेशन जो 10 यूनिट्स का अपडेट सिलेबस के साथ अगर नोट्स चाहिए तो आप इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7217377533। इस नंबर पर जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको नोट्स का डेमो दे दिया जाएगा। अगर नोट्स पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज कर सकते हैं। नोट्स ऐसा होगा, अगर आपने उसको ईमानदारी के साथ पढ़ लिया तो पहली बार में नेट क्वालिफाई होगा, ये मेरी गारंटी और दावा है। क्योंकि जो नोट्स मैंने अपनी मेहनत से बनाए, मेरे खुद के हैंड रिटन मिलेंगे आपको, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर बनाया डिटेल्स के साथ। इसी के साथ आपको ऑल टीचिंग एग्जाम साइकोलॉजी, अगर इसी नंबर पर आपको जो ऑल टीचिंग एग्जाम साइकोलॉजी आपने सुना होगा और पेडागोजी, उसके नोट्स चाहिए तब भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको ऑल टीचिंग एग्जाम की साइकोलॉजी पेडागोजी मिल जाएगी इस वाले नंबर। असिस्टेंट प्रोफेसर आपका एजुकेशन और बीएड से संबंधित हो या पीजीटी एजुकेशन हो, क्योंकि सारे नोट्स एक में ही चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको नोट्स बनाए, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं रिसर्च वाला क्रियात्मक अनुसंधान, आप उसको ले सकते हैं। क्लियर बात है, आप डेमो लीजिए, पसंद आए तो कोई लीजिए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, डेमो तो लीजिए आप नोट्स का। अब ये वाली बात हमारी यहां पर होगी कि मान लीजिए अगर वो पुस्तक क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कौन कौन से हैं तो आप ये बताए। अच्छा एक सारी सुनाता हूं आपको, बहुत अच्छी सुनाता हूं, सुना, मोहब्बत ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होती, मोहब्बत ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, और मोहब्बत में कामयाब होना कामयाबी नहीं होती, मोहब्बत ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होती और मोहब्बत में कामयाब होना कामयाबी नहीं होती। जो तुम्हें कामयाब बना दे, जो तुम्हें कामयाब बना दे, ऐसी मोहब्बत करना मेरे दोस्त, क्योंकि
कामयाबी देखकर की गई मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। तो दिसंबर वाला यूजीसी नेट 18 दिसंबर 2023 वाला सब छोड़ छाड़ के दिसंबर वाले यूजीसी नेट पर आप लगे, पहली बार में यूजीसी नेट की लत छुड़ा के रख दीजिए। आप हमसे जुड़िए, हम पहली बार में आपका यूजीसी नेट पास करेंगे। सारी पसंद है तो कमेंट कर दो। अगर मैंने आपको यहां पर बता दें क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कौन कौन से, ये वाले मैंने किसके बताए, तो मैंने बताया आपको क्रियात्मक अनुसंधान के। अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है, अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है कि रिसर्च के सोपान कौन कौन से, समझना रिसर्च के। अब इसके सोपान कौन से, क्योंकि इसके सोपान भी हर बार आते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि रिसर्च वाले सोपान कौन कौन से हैं। तो रिसर्च वाले सोपान की जब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहला आएगा समस्या का चयन करना। उसके बाद आएगा परिकल्पना का प्रतिपादन। उसके बाद क्या आएगा, परिकल्पना का प्रतिपादन। उसके बाद आएगा शोध की रूपरेखा। ठीक है, उसके बाद आएगा आंकड़ों का संकलन, समझना। दिखाई दे रहा है, आंकड़ों का संकलन। उसके बाद आएगा फिफ्थ नंबर पर आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण। उसके बाद आएगा निष्कर्ष, दिखाई दे रहा है। और लास्ट में अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं सामान्यीकरण। आपको क्रियात्मक अनुसंधान के और रिसर्च के सोपान 100% याद होने चाहिए मेरे दोस्त, तभी जाकर आपके दो नंबर सही होंगे। क्योंकि फर्स्ट पेपर में क्रियात्मक अनुसंधान के चरण पूछेगा, सेकंड पेपर में ये पूछेगा ही पूछेगा। मैं आपको फिर भी बता दे दूं 1000% ये एक नंबर लेके आएगा, ये एक नंबर लेके आएंगे। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान के चरण, क्रियात्मक अनुसंधान के चरण भी पूछता है और रिसर्च के सोपान भी पूछता है। इन दोनों का क्रम लगवाने के लिए आता है, क्योंकि एक दूसरे को इधर से उधर कर देता है। तो अगर क्रियात्मक अनुसंधान के पूछेगा तो प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपमेंट, रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान के जो चरण और सोपान है आपको इंग्लिश में याद रखने हैं, और रिसर्च वाले जो होते हैं आपको हिंदी में याद रखना। समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। बहुत से लोग निष्कर्ष को बाद में लगा देते हैं। भाई पहले कंक्लूजन निकालने के बाद हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे ना। आपने सुना होगा बहुत से पेपरों में नॉर्मलाइजेशन आता है कि उसके नंबर बढ़ गए, उसके नंबर घट गए। भाई निष्कर्ष निकाला ना, उसके 100 नंबर, उसके 80 नंबर है, तो 10 नंबर इधर लो, 10 नंबर इधर बढ़ाओ, 90 पे दोनों का कर दो। तो वो सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन बाद में होगा, पहले हमें निष्कर्ष तो पता होगा किसके नंबर ज्यादा है किसके ज्यादा है। ये क्रियात्मक अनुसंधान यहां पर हमने पढ़ा। अब आपको ये वाली बात भी आपसे पूछ सकता है, क्रियात्मक अनुसंधान में विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है? नहीं, यहां पर आपको अनुभव की जरूरत होती है। तो मैंने लिखा है ना, ये कौन कौन कर सकता है, जो मैंने लिखा है कौन कौन कर सकता है, कौन कौन कर सकता है प्रयोग इसका। तो देखो मैंने पहला टीचर बताया, दूसरा छात्र, तीसरा चपरासी, प्रधानाचार्य, सचिव भी हो सकता है, ये सारे के सारे हो सकते हैं। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान को लाने का ही मेन रीजन ये था कि स्कूल और क्लास में जो भी तत्काल समस्या, जो भी समस्या आ रही है, उनका ऑन द स्पॉट समाधान करना। मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऑन द स्पॉट यानी तत्काल, तुरंत, तत्काल। इसका मीन्स क्या होता है, तत्काल। क्या मीन्स होता है, तत्काल। तत्काल मीन्स क्या होता है, तुरंत तुरंत उसका समाधान करना, टालना नहीं है। और वो तुरंत समाधान कब हो सकता है, जब हमें किसी का अनुभव होगा, जब हमें किसी का एक्सपीरियंस होगा। तो यहां पर विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए भाई अध्यापक है, छात्र है, चपरासी, चपरासी तो विशेषज्ञ होता ही नहीं है, तो उसके विशेषज्ञ की आवश्यकता कहां से होगी। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का तत्व नहीं है, तो आप आराम से बता सकते जिसमें विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं हो सकती। दोबारा समझिए इसको, 1000% मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, 1000%
क्रियात्मक अनुसंधान से 2 से 3 नंबर आने वाले हैं। ये वाली बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च, शाब्दिक अर्थ एक्शन और रिसर्च एक्ट ऑन रिसर्च, यानी किसी समस्या का कैसा समाधान करना, तात्कालिक समाधान। संबंधित किससे होता है, विद्यालय क्लास समाज से। अब इनमें जो समाधान करते हैं वो कौन, टीचर, छात्र, चपरासी, प्रधानाचार्य। और मैं एक और लिख दे रहा हूं आपके दिमाग में आ रहे हो तो, सामाजिक कार्यकर्ता। कौन, एक और भी हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। क्लियर बात है। अब इसके जनक पूछेगा तो आपको बताना, स्टीफन एम कोरे इसके जनक है। शिक्षा में जो प्रयोग किया स्टीफन एम कोरे ने किया है। सर्वप्रथम इसका संपर्क दिया कोलियर और कर्ट लेवन ने 1933 में। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बता देना, किसी समस्या का तात्कालिक समाधान करने के लिए जिस अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। विकास की बात करें तो बकिंगम की पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर 1926 में, जिन्होंने उनसे एक्शन रिसर्च का प्रयोग किया, जिसका मेन उद्देश्य क्या था। मेन उद्देश्य तो इसका यह भी हो सकता है कि इसके सोपान कौन कौन से, तो प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपमेंट इन रिफ्लेक्टिंग, क्रियात्मक अनुसंधान के। मैं पहले बता रहा हूं ये किसके सोपान है, तो देखो आपको गड़बड़ नहीं हो जानी चाहिए, ये क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान बता रहा हूं। किसके सोपान बता रहा हूं, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान 4 है, PADR। लेकर रिसर्च अनुसंधान के सोपान पूछेगा तो आपको समस्या का चयन करना, परिकल्पना का प्रतिपादन करना, शोध की रूपरेखा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष सामान्यीकरण, ये था हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर अगर नए हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात ही नहीं है भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तभी तो आप हमसे जुड़ेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है, मैं बिल्कुल 0 लेवल से आपको समझा रहा हूँ। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में लिख दिया करेंगे, सर ये समझ में नहीं आ रहा, हम पूरा सब डिस्कस करेंगे। मैंने नंबर दे दिया भी इस वीडियो में दे दिया है, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो एनी क्वेरी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिसंबर वाला नेट पास कराने की गारंटी हमारी है। द संजय चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।